मां बगलामुखी पहुंच मार्ग पर आने वाले नाले की ऊंचाई कम होने के कारण पुल पर सामान्य वर्षा होने पर ही नाले के ऊपर पानी आ जाता है, जिसके कारण बाहर से आए दर्शनार्थियों को माता रानी के दर्शन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बता दें, मां बगलामुखी भक्त मंडल के द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और तहसीलदार ने जल्द ही समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि धरना प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि नाले की ऊंचाई बढ़ाई जाए और नाले का गहरीकरण किया जाए, साथ ही नाले के पास लगे ट्रांसफार्मर को निकाल दिया जाए। अगर हमारी मांग को जल्द पूरा नहीं किया तो हम दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी तहसीलदार साहब से चर्चा हुई, उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण करवाएंगे और नाले का गहरीकरण और विद्युत डीपी को तुरंत हटाने का आदेश उन्होंने दे दिया है। और रही बात नाले की ऊंचाई बढ़ाने को, तो उसका भी वो शासन को एक सूचना भेजेंगे, उसके आधार पर उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। अभी वर्तमान में तो हमारे द्वारा धरना स्थगित किया गया है, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है तो उसके बाद पुनः आंदोलन किया जाएगा। उसकी छोटी छोटी मांगे हैं, उसके मैंने ध्यानपूर्वक सुना है और आधी समस्या का निपटारा तो मैंने तत्काल कर दिया है और आधी समस्या जो है वो जो नीतिगत है उसके लिए मैं प्रशासन से पूर्णता प्रयास करूँगा और उम्मीद करूँगा कि कोई ऐसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर, क्या माने नवरात्रि के पूर्व इसका कार्य हो जाएगा कि कार्य चालू रहेगा, क्या समझ? देखिए, ये कहना तो जल्दबाजी होगी, तब भी मैं अपनी ओर से पूरे प्रशासन प्रयास कर दूँगा।